महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक नया प्लान बनाया है। इस प्लान को उन्होंने लॉकडाउन तो नाम नहीं दिया, लेकिन हाँ कुछ पाबंदियों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगले 15 दिन तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी और आप ये समझ सकते हैं कि अगले 15 दिनों के लिए राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत कुछ चीजों पर पाबंदियां रहेंगी जबकि कुछ चीजों पर आपको छूट मिलती रहेगी। बता दें इस पूरे प्लान को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है और इसके जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के केसेस अकेले महाराष्ट्र में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में 50-60 हजार मामले सामने आ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रोकने का काम धारा 144 करेगी। बता दें बेवजह लोगों के यहां वहां आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ साथ राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें कोई भी जो पाबंदी है वो जारी नहीं रहेगी, मतलब कि वहां पर पाबंदी आपको नहीं मिलेगी, वहां पर छूट आपको मिलेगी। अब जरा आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं कि महाराष्ट्र में धारा 144 के बाद आपको क्या क्या छूट मिली है, यानी कि क्या क्या खुला रहेगा। महाराष्ट्र में लोकल और बसें बंद नहीं होंगी। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर खबरें आ रही थी कि इनको बंद किया जाएगा, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगी है। बैंकों में कामकाज पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। ई कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन वहां से होम डिलीवरी आपको अवेलेबल रहेगी, यानी कि आप वहां से खाना मंगवा सकते हैं। मीडिया कर्मियों के लिए इजाजत होगी। शिव भोजन थाली मुफ्त में देते हुए नजर आएंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि बंद क्या रहेगा। पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेजेस, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सलून और ब्यूटी पार्लर्स बुधवार यानी कि आज रात 8 बजे के बाद से 1 मई को सुबह 7 बजे तक के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। गैर जरूरी सेवाओं वाले दफ्तरों को भी बंद करना होगा। बिना काम के आवाजाही नहीं कर पाएंगे। इन सब के अलावा जो निर्माणाधीन कार्यों में लगे मजदूर हैं उनको 1500 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। 12 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनको 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500-1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और जो आदिवासी हैं उनको 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह का ऐलान सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। तो ये सारी खबर है जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है। आप बताइए आपको क्या लगता है, इन सारी चीजों से कोरोना पर लगाम लगाने में सीएम उद्धव ठाकरे कामयाब होंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।